वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाया हूं 4 इंडियन क्राफ्ट जिनका नाम जो इंडिया में तो फेमस है ही, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में काफी धमाल मचा चुका है। जी हाँ, कुछ साल पहले भी इंडिया में जिनका नामोनिशान नहीं था, मतलब कुछ साल पहले भी इंडिया का खुद का कोई जिन नहीं था, कुछ बाहर का कंपनी यानी फॉरेन कंपनीज अपना तरीके से जिन यहाँ पर सेल करता था और उसी को लेकर हम लोगों को खुश होना पड़ता था। बट आजकल बहुत सारा डिस्टिलरीज क्राफ्ट जिन बना रहा है और ये कमाल का जिन बना रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारा इंटरनेशनल अवार्ड है जिन का जो इन सब कंपनी जीत चुका है। तो ये कुछ गर्व का विषय है और मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करूं उन बेस्ट जिन का नाम जो शायद आपने सुना ही नहीं है। तो आज इस काउंटडाउन में मैं 4 जिन का नाम बताने वाला हूं जो ऑल आर क्राफ्ट जिन है। अब क्राफ्ट जिन क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से स्मॉल बैचेस में जिन को बनाया जाता है, मतलब ये हेवी और बल्क में नहीं बनता है, स्मॉल बैचेस में, इसीलिए इसको क्राफ्ट जिन बोला जाता है। और इसमें कुछ खूबियां भी है और वो खूबियां के कारण इसको क्राफ्ट जिन बोला जाता है। और भी इंटरेस्टिंग है कि जिन में यूजुअली बहुत सारा बोटेनिकल का मिश्रण है। यूजुअली ये एक वोडका किस्म का न्यूट्रल स्पिरिट होता है और उसके बाद उसमें काफी सारा 11, 12, 13, 14 ऐसा बहुत सारा बोटेनिकल्स को उसमें डाल के उबालते हैं और उसके बाद डिस्टिल करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं जिन। तो ये काफी स्पाइसी काइंड ऑफ एक ड्रिंक है। अगर आप कभी भी जिन नहीं ट्राई किए तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो देखने के बाद इन सब जो जिन मैं आज आपके सामने लाया हूं बिल्कुल ट्राई किए, क्योंकि ये सब जो जिन है ये इंडिया को प्राउड फील करा है वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड में एक मैन किया है इंडिया की बिहाफ में ये सब जिन, तो इसीलिए मैं चुन के लाया हूं। चलिए देखते हैं कि वो 4 जिन क्या है और उसमें क्या क्या खूबियां है। आगे बढ़ते हैं। इस काउंटडाउन में मैं जो जो जिन को आपके सामने रखा हूं ये सब इंडिया में ही बनता है, एकदम ऑथेंटिक इंडियन जिन है और ये सब एक के ऊपर एक भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका यूनिक स्ट्रेटेजी के चलते, क्योंकि हर एक डिस्टिलरी अपना प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए कुछ यूनिक स्ट्रेटेजीज को अप्लाई किया है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पहले पायदान मतलब 4 नंबर पर है जैसलमेर जिन। रॉयल हेरिटेज ऑफ जैसलमेर को डेडिकेट करते हुए इस जिन को बिल्डअप किया गया था। दिस क्राफ्ट जिन इज एक्चुअली शोकेसिंग लग्जरी मीटिंग रॉयल्टी। प्राइस है 2650 फॉर 750 ml, कुछ अप डाउन हो सकता है अपना अपना स्टेट्स में। इस डिलीशियस जिन को स्मॉल बैचेस में कॉपर पॉट स्टील में बनाया जाता है। मास्टर डिस्टिलर अनूप बारिक अपने हुनर से एक बेहतरीन क्राफ्ट जिन को आपके सामने पेश किया है थ्रू रामपुर डिस्टिलरी जो इंडिया का ओल्डेस्ट डिस्टिलरी है। जैसलमेर नाम से आपको लग सकता है कि ये जिन जैसलमेर सिटी से प्रोड्यूस किया गया है, नहीं, डिस्टिलरी स्थित है हिमालय का फुटहिल्स में ऑलमोस्ट नेपाल बॉर्डर के सामने। हालांकि कुछ बोटानिकल्स को मंगवाया जाता है जैसलमेर से। ये एक ट्रिपल डिस्टिल जिन है और इसमें 11 बोटानिकल्स को यूज किया गया है जिनमें 7 बोटानिकल्स कंप्लीटली इंडिया से है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसलमेर जिन में दार्जिलिंग ग्रीन टी को भी यूज किया गया है। नोज में स्ट्रॉन्ग नोट ऑफ जूनिपर एंड लेमन का फील देता है और काफी फ्लोरल एंड स्पाइसी एरोमा भी। पैलेट में वेरी स्मूथ वेलवेटी विथ वेनिला स्वीटनेस एंड लॉट ऑफ सिट्रसी नोट्स। दिस इज ट्रूली अ इंप्रेसिव क्राफ्ट जिन। अब आता हूं नंबर 3 पे, स्ट्रेंजर एंड सॉन्स। नाम सुना है क्या? द 3 फाउंडर्स साक्षी शायगल, राहुल मेहरा एंड विदुर गुप्ता फ्रॉम थर्ड आई डिस्टिलरी क्रिएटेड स्ट्रेंजर एंड सॉन्स जिन। तीनों एक साथ इस जिन को इसलिए बनाने के लिए इकट्ठा आए थे कि जब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ चालाक लेवलिंग के बावजूद उपलब्ध अधिकांश इंडियन जिन का देश के साथ बहुत कम संबंध थे। ऑफ कोर्स मैं इंग्रेडिएंट्स का बात कर रहा हूं। थर्ड आई डिस्टिलरी ब्रिंग्स एग्जैक्टली व्हाट इंडिया नीडेड। स्ट्रेंजर एंड सॉन्स मालाबार कोस्ट में स्थित
फर्म से कोरिएंडर सीड, ब्लैक पेपर, कैशिया, नटमेग को यूज करते हैं अपना जिन में। बेस्ट क्वालिटी को बेस्ट रखने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है ये कंपनी, और इसीलिए बेस्ट जुनिपर जहां मिलता है मतलब मैसिडोनिया से मंगवाते हैं और पोलैंड से मंगवाते हैं एंजेलिका रूट को। ये जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स है ये एक्चुअली वाइटल रोल प्ले करता है स्ट्रेंजर एंड सॉन्स का जिन में। इस जिन में जो सिट्रसी नोट्स मिलता है वो 4 टाइप ऑफ पील्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें मौसम्बी, नागपुर ऑरेंज, इंडियन लाइम्स फ्रॉम गोवा एंड गोंधराज फ्रॉम कोलकाता को कंबाइन किया गया है। दोस ऑल कम टुगेदर टू गिव अ यूनिक फ्रेश जेस्टी एरोमा टू द जिन। ऑल हैव अ वेरी यूनिक फ्लेवर एंड एरोमा व्हिच कम टुगेदर ब्यूटीफुली टू गिव अ लवली सिट्रिक परफ्यूम टू द जिन। The bottle is really pretty with lovely cork stopper and a label that proudly display its ingredients in Hindi too. Nose में आपको मिलने वाला है juniper and citric note with a hint of spices, और palate में इस flavorful expression of spice shining through with the black pepper, nutmeg and coriander with hint of sweet cinnamon. Wonderful, wonderful. और price है 2570, जहां पर आपको एक 750 ml का Stranger and Sons जिन मिलने वाला है। और ये बेहतरीन delicious जिन को simply इतना pay करके आप आराम से खरीद सकते हैं। एक बार try जरूर कीजिएगा। अब ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि number 2 पे कौन है। हपूसा जिन। हपूसा ये जो word है ये actually संस्कृत word है, जो हिमालयन जूनिपर है उसी को हपूसा बोला जाता है संस्कृत में। इसीलिए नाउ स्पीड का जो डायरेक्टर है मिस्टर विमानी ने सोचा कि हपूसा नाम रखा जाए। एंड हियर इज द बेस पार्ट ऑफ दिस जिन। जूनिपर को सोर्स किया जाता है हिमालय से, जहां बाकी कंपनीज जूनिपर को फॉरेन कंट्री से मंगवाते हैं वही नाउ स्पीड भरोसा रखा है इंडियन जूनिपर के ऊपर। हपूसा को आप एक कंप्लीटली इंडियन जिन बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है इस जिन में वो कंप्लीटली होम ग्रोन है। जैसे कि बेस्ट इंग्रेडिएंट को ऑल अक्रॉस द कंट्री चुना गया है, जैसे कि टर्मरिक को चुना गया है तमिलनाडु से, गोंधराज लेमन फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल यानी अपना सिटी से, एंड ड्राइड मैंगो को यूज किया गया है फ्रॉम उत्तराखंड जहां पर बेस्ट मिलता है। टू गिव द वर्ल्ड अ टेस्ट ऑफ इंडिया, हपूसा जिन इज मेड टू अ वन शॉट मेथड ऑन नाउ स्पिरिट 1000 लीटर कॉपर पॉट स्टिल। एक ऐसा प्रोसेस जो कंप्लीटली यूनिक है। ग्रेट क्वालिटी व्हीट स्पिरिट में सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा मिलाया जाता है और उसके बाद कॉपर पॉट स्टिल में स्लोली डिस्टिल किया जाता है। द स्पिरिट इज ट्रू सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंग्रेडिएंट्स व्हिच वुड यूजुअली बी फाउंड इन एवरी किचन कपबोर्ड, और वो सारा इंडियन स्पाइसेस और बोटेनिकल्स अभी हपूसा का बॉटल में आके सिमट गया है। तो आप जब भी हपूसा को पकड़ेंगे तो आप इंडियन किचन को याद कर सकते हैं, इंडियन स्पाइसेस और बोटेनिकल को याद कर सकते हैं। प्राइस है 2000, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, एक बार जाके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। नाउ नंबर वन। नंबर वन पे है कौन है? ग्रेटर देन जिन, इंडियाज फर्स्ट क्राफ्ट जिन एंड द ओनली लंडन ड्राई जिन मेड इन इंडिया। इस डिलीशियस जिन को स्पेशली बनाया गया है सुपर क्रिएटिव बारटेंडिंग कम्युनिटी के लिए। हाँ, आप लोग तो जानते हैं कि बारटेंडर अक्सर एक्सपेरिमेंट करता रहता है अपना अल्कोहल को लेकर, तो नाउ स्प्रिट अपना ग्रेटर देन जिन को दिया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आप सुनकर हैरान होंगे कि इंडिया से वर्ल्ड जिन अवार्ड 2019 में बेस्ट इंडियन लंदन ड्राई जिन का अवार्ड मिल चुका है ग्रेटर देन लंदन ड्राई जिन को। ग्रेटर देन लंदन ड्राई जिन बनता तो है इंडिया में, बट कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बोटेनिकल्स को इंपोर्ट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड से, जैसे जूनिपर फ्रॉम मैसिडोनिया, एंजेलिका रूट फ्रॉम जर्मनी, ऑरिस रूट फ्रॉम इटली एंड ऑरेंज पील फ्रॉम स्पेन, और बाकी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कोरिएंडर सीड, फेनल, केमोमाइल, जिंजर, लेमन ग्रीन, इन सब को इंडिया से यूज किया जाता है। इस वंडरफुल जिन को कॉपर पॉट स्टिल में स्मॉल बैचेस में डिस्टिल किया जाता है। मास्टर ब्लेंडर है नाउ स्प्रिट कंपनी का फाउंडर ओनर मिस्टर आनंद विरवानी, और उसका को डिस्टिलर जो है जय धमन, दोनों मिलकर इस बेहतरीन प्रोडक्ट को आपके सामने लाया है।
बेस पार्ट है इस जिम का, इसका प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है। सिर्फ 1000 में आपको ये जिम को टेस्ट करने का मौका भी मिल सकता है। और टेस्टिंग नोट का बात करूं तो ऑन द नोज फ्रेश लेमन पील एंड क्लीन जूनिपर एंड द फिनिश इज बिट स्पाइसी एंड अ हिंट ऑफ जिंजर नोट। और क्या कहना है, ये जो चार जिन है ये बेहतरीन जिन है दोस्तों, बेहतरीन जिन है। और सबसे बड़ा बात है कि अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो बिल्कुल एक बार ट्राई कीजिए। अभी जो जिन का ट्रेंड चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, ये कुछ अलग ही लेवल पे जा चुका है। अगर अब तक आपने ट्राई नहीं किया तो बहुत गलत कर रहे हैं, बिल्कुल ट्राई कीजिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, और उन फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो पसंद करता है जिन। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलेंगे नए कॉकटेल, नए मॉकटेल, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, मगर प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। टाटा।